अस्सलाम वालेकुम। आज मुमताज़ किचन में क्या बन रहा है? मुमताज़ किचन में, मुमताज़ के रेसिपी में आज मैं आपको चौलाई की भाजी बनाना बता रही हूँ। ये एक बड़ी जुड़ी है जिसे मैं बारीक इस तरीके से कट की हूँ, कट करके इसे धो ली हूँ। दो छोटे लहसुन के जवे हैं जिसे इस तरीके से मैंने बारीक कट की। दो मीडियम प्याज है स्लाइस में कटी हुई, और ये 6 से 8 हरी मिर्च है तीखी वाली, आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 4 मीडियम आलू है और नमक, नमक अपने हसबे जायका होगा, नमक हसबे जायका लेना है। एक कढ़ाई में हम तेल गरम करेंगे, उसमें जो लहसुन बारीक कटा हुआ है वो डाल देंगे। बस लहसुन का जरा सा कलर चेंज हो गया, इसमें हम प्याज डालेंगे। बहुत ही अच्छी बनती है भाजी। इसे हम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक नरम करेंगे, कलर नहीं देना है। प्याज अच्छी नरम हो गई है, अभी इसमें हम नमक और हरी मिर्च डाल देंगे। तो थोड़ा इसी देर, कुछ सेकंड इसको जरा सा हम भून लेंगे। अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। आलू नहीं डालना है तो आप ना डालें, पर आलू अच्छा होता है डालने से। आलू तो भाप में ही गल जाते हैं। अभी इसमें हम भाजी डाल देंगे, गैस की आंच बहुत कम कर देंगे, देख सकते हैं आप। अभी इसमें आपने भाजी डाल दी, भाजी डालने के बाद में आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है, इस तरीके से आप इसे ढक्कन ढक दें। थोड़ी सी भाजी नरम होके अपने आप नीचे बैठ जाएगा ढक्कन। भाजी कितने अच्छे से नीचे तक हो गई है, अब इसको हम ऊपर नीचे करेंगे। तकरीबन आलू भी थोड़े से क्या अच्छे गल गए हैं, देखिए आप, है ना, आलू भी अच्छे गल गए। बस अब इसका थोड़ा सा जो पानी है वो सूख जाएगा, हमारी भाजी तैयार है। थोड़ा पानी है इसमें, इसको थोड़ा अच्छे से हम ऊपर नीचे कर लेते हैं और फिर इसको हम उतार लेंगे। 2 मिनट धीमी आंच पे इसको दम पे रख देती हूँ, क्योंकि आलू सब गल चुके हैं। देखिए, है ना, आलू अच्छे गल गए हैं, भाजी का थोड़ा सा पानी है, ये सूख जाएगा। 2 मिनट के लिए मैं धीमी आंच पे दम पे रख देती हूँ इसको, पानी भी सूख जाएगा और भाजी भी हो गई है। थोड़ा सा पानी है, थोड़ा इस तरीके से आप भाजी साइड में कर दोगे तो ये पानी जो भी होगा वो निकल के इस तरीके से सूख जाएगा। पानी अच्छा सूख गया, अब इसको हम उतार देंगे। चौलाई की भाजी तैयार है। ये मेरे तरीके से मैंने आपको बनाना बताया हूँ, हर किसी का अपना तरीका होता है। ये मेरी मम्मी ऐसे ही बनाते थे,
तो अम्मी ऐसे ही बनाते हैं, इसलिए मैंने भी इसी तरीके से आपको बनाकर बताई हूँ। आप भी इसे बनाएं और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।